वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 5 दशकों में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ। आज भोपाल में हर वो बीमारी का इलाज संभव है जिसके लिए पहले लोगों को दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। भोपाल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा मजबूत, मरीजों को दिल्ली मुंबई जाने की नहीं है जरूरत। जी हां, राजधानी भोपाल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। भोपाल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का फायदा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के लोगों को भी हो रहा है। एक दौर था जब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भोपाल के लोगों को भी किसी मेजर ऑपरेशन के लिए दिल्ली मुंबई का रुख करना पड़ता था, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं। आगे बढ़ने से पहले भोपाल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। भोपाल में 1890 में लेडी लैंसडाउन जनाना हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। बाद में यही अस्पताल सुल्तानिया जनाना अस्पताल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1956 में भोपाल में पहला GMC यानी गांधी मेडिकल कॉलेज खुला था, लेकिन आज की तारीख में भोपाल में एम्स और GMC समेत 4 निजी मेडिकल कॉलेज भी हैं। पहले डॉक्टर बाहर से सुपर स्पेशलिटी कोर्स करके भोपाल आते थे, लेकिन आज भोपाल में पूरे देश से विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भोपाल के 300 अस्पताल में से 225 अस्पताल आयुष्मान योजना से भी जुड़े हुए हैं। तो भोपाल में स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास को हमने देखा और जाना कि कैसे भोपाल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दशकों तक होता रहा और आज क्या स्थिति है ये भी देख लेते हैं। भोपाल में अस्पतालों की बात करें तो यहाँ 260 निजी अस्पताल हैं, 50 संजीवनी क्लिनिक है, 21 सिविल डिस्पेंसरी है, 6 गैस राहत अस्पताल है, 4 स्वास्थ्य केंद्र है, केंद्र सरकार से जुड़े 2 अस्पताल है, पॉली संजीवनी क्लिनिक 1 है, जबकि 1 जिला अस्पताल भी है। तो 1890 के लेडी लैंसडाउन अस्पताल से लेकर आज 2023 तक काफी कुछ बदल चुका है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। दरअसल आने वाले समय में भोपाल में हेल्थ सेक्टर में और भी फैसिलिटीज बढ़ने वाली है, तो भोपाल में भी अब हर वो सुविधा होगी जो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के अस्पतालों में होती है। बहरहाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर सियासी दलों का क्या कहना है ये भी सुन लेते हैं। भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य की संरचना बनाने में जुटी हुई है और उन्होंने जो एक बड़ी सौगात 10 करोड़ परिवारों को दी है आयुष्मान भारत योजना के नाम पर 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, ये सामान्य योजना नहीं है। कई यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में भी इस प्रकार का लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिलता जो मध्य प्रदेश और देश की जनता को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर ये एक सात्विक उद्देश्य को लेकर चलाई जाने वाली योजना है और लाखों करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 300 में से 200 हॉस्पिटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और समाचार पत्रों की सुर्खियों में 225 हॉस्पिटल जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है उनकी सूची बन चुकी है, जिनमें भ्रष्टाचार और घोटाले शामिल हुए हैं। तो अब सरकार की सूची सही है या मीडिया में जो प्रकाशित हो रहा है वो सही है? पूरी आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में तब्दील हो चुकी है। तो पॉलिटिकल बयानबाजी से इतर ये सच है कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तो हुआ है, लेकिन कोरोना में जो भयावह तस्वीर देखने को मिली उस सच से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता। ऐसे में ये जरूरी है कि नए नए अस्पताल बनाने के साथ ही बजट से लेकर मैन पावर तक हर एक चीज का मैनेजमेंट दुरुस्त रहे, जिससे भविष्य में कोरोना जैसी किसी आपदा के समय मौजूदा इंतजाम महज कागजी साबित होकर न रह जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिनों मजबूत नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि जो मरीज पहले दिल्ली या मुंबई जाकर अपना इलाज कराया करते थे वो अब भोपाल में ही अपना इलाज करा रहे हैं। एक और कारण है, करीब 300 में से 225 अस्पताल ऐसे हैं राजधानी भोपाल के जो आयुष्मान से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा निजी और जो शासकीय अस्पताल है वहाँ पर भी बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। वर्जनलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।
अब इसमें खबर तो यह है कि आने वाले समय में भोपाल एम्स में ब्रेन ट्यूमर का गामा नाइफ से इलाज होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में लीनियर एक्सीलरेटर मशीनें लगेंगी। पहला सरकारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमीदिया अस्पताल में खुलेगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्रांसप्लांट यूनिट एम्स में बन रही है। यहाँ किडनी के साथ लीवर, बोन मैरो और लंग्स ट्रांसप्लांट होगा। जेपी अस्पताल में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर एम्स में एपेक्स ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा।